ये श्लोक राग मधुमात सारंग पर बेस्ड है। इस राग में ग और ध दोनों ही स्वर वर्जित होते हैं और केवल कोमल नी का प्रयोग किया जाता है। राग मधुमात सारंग काफी ठाट का राग है और ये राग राग वृंदावनी सारंग से काफी मिलता जुलता लगता है, लेकिन इस राग में केवल कोमल नी का ही प्रयोग किया जाता है। राग मधुमात सारंग राग मियां मल्हार से भी काफी मेल खाता है, लेकिन इस राग में सारंग अंग ज्यादा दिखाया जाता है। इस श्लोक के नोटेशंस में भी आप देखेंगे पामरे सानी सा। ग और ध स्वर इस श्लोक के नोटेशंस में वर्जित हैं और फिर पामरे सानी सा देखते ही हम समझ जाएंगे कि ये श्लोक राग मधुमात सारंग पर ही बेस्ड है। राग मधुमात सारंग पर बेस्ड अन्य गीत हैं विनती सुनिए नाथ हमारी आ लौट के आजा मेरे मी। इस श्लोक में जो ताल बजाई गई है वो है 6 मात्रा की ताल, ताल दादरा। तबला ऐप पर टेम्पो रख सकते हैं 130। तानपुरा है सी स्केल पर सा प सा। इस श्लोक को हमें 6ठी मात्रा के आधे से शुरू करना होगा, हाफ ऑफ 6th बीट से शुरू करना है। धाधीना धातीना परब्रह्म रूपम्। फिर से देखते हैं। धाधीना धातीना परब्रह्म रूपम्। आइए देखें तबले के साथ गाकर। को भी हमें 6ठी मात्रा के आधे से गाना है, यानी हाफ ऑफ 6th बीट से ही गाना है। धाधीना धातीना गुणातीत मीशम मयूरेश वंद्यम गणेशम नतास्मो नतास्मा। धाधीना धातीना गुणा
आगे वेरिएशन है। पर ब्रह्म रूपम ग ग ग ग मगर रे सनी चिदानंद रूपम नी सा सा सारे गरे सा सा। पर ब्रह्म रूपम चिदानंद रूपम परेशम सारे मानी सुरेशम नी 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 सरसा गुणाब्धिम नी धा 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 गुणेशम पाध नी धा पमा परे नेक्स्ट टाइम। पर ब्रह्म ग ग ग प म पर ब्रह्म रूपम चिदानंद रूपम सेम नोटेशंस परेशम सुरेशम गुणाब्धिम गुणेशम गुणा नतास्मो नतास्मा सेम नोटेशंस। श्लोक की हर नई लाइन को हमें ताल की छठी मात्रा के आधे से गाना है, हाफ ऑफ सिक्स बीट से ही गाना है। अगली लाइन को भी छठी मात्रा के आधी मात्रा से ही उठाना है, देखिए कैसे। धाधीना धातीना गुणातीत मीशम मयूरेश वंद्यम गणेशम नतास्मो नतास्मो नतास्मः। धाधीना धातीना चिदानंद रूपम परेशम सुरेशम गुणाब्धिम गुणेशम। आइए पूरे श्लोक को एक साथ तबले के साथ गाकर देखते हैं। परेशम सुरेशम गुणाब्धिम गुणेश
नतास्व